हेलो हेलो हेलो। भेजा क्या भाई? नोट्स का अरेंजमेंट कर। अरे चलो ऑनलाइन लाइव जल्दी से बताओ, मुझे दिख रहा हूं क्या मैं? मेरे हिसाब से रिजल्ट 10 अगस्त को आएगा। नहीं, मेरे हिसाब से रिजल्ट जुलाई एंड में आएगा। फाउंडेशन का ना जुलाई एंड में आ जाएगा। कड़या टेंशन नहीं लेने का। हाँ, जुलाई एंड तक मेरे हिसाब से रिजल्ट आ जाने को ना। चला क्या हुआ? अभी स्ट्रेस आ रहा है एडे, फिर इंटर छोड़ा भी है। अभी स्ट्रेस आ रहा है, फाउंडेशन पर सिलेबस चेंज हो गया है। नहीं, जो भी बोला, मैं तेरे को कहाँ बोल रहा मेरे भाई, जिसने बोला उसको बोल रहा हूं। ए भाई सुनना, रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद, पूरी क्लास एक बार जल्दी से गुड मॉर्निंग बोलेगी, एकदम प्यारा वाला, और जल्दी से प्यारी प्यारी एक स्माइल आपके थोपड़े पर। जो जो बच्चा नया है, आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आशा करता हूं कि आपका दिन बड़ा शुभ है, अच्छा है, मस्ती में है। मैं सुबह सुबह निकला और ट्रैफिक ने भी साथ में बोला कि हम भी निकलते, तो जो टाइम कम लगना चाहिए था वो ज्यादा लग गया। बट एनी विच वेज, वैसे भी घर से लेट हो ही गया था, तो मैं मेरा बचाव भी नहीं कर रहा हूँ, बट ट्रैफिक की भी गलती थी। ठीक है, मतलब सिर्फ मेरी अकेली गलती, ऑफ कोर्स पानी भी था। सो सुनते हैं, शुरू करते हैं। सो कल बात ऐसी हो गई थी अपने दोनों के बीच में, अपन दोनों ने ऐसा बोला था कि सर किधर गए पर वो नोट्स, कि सर वो एक नहीं, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कि सर वो तुम बात समझो ना आप, कि तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस रहते हैं। बोले तो एक रहता है अक्रूवल। अक्रूवल ये बोलता है यू शुड रिकॉग्नाइज द इनकम एंड एक्सपेंस एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड, राइट? तो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर में भी हम एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विच आर, सॉरी, नेक्स्ट ईयर में हम एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं विच आर इनकर्ड इन द करेंट ईयर। सो द फ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज माई डियर फ्रेंड वेन इट इज इनकर्ड, वेन द इनकम इज अर्नड। दीज आर द की वर्ड विच वी यूज। नाउ टूडे वट वी गोना यूज कीवर्ड इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो इधर कोई तो एसपी कॉलेज में था, फिर मैंने बोला एसपी कॉलेज में जाने के बाद में क्या दिखता है, तो वो बोलता है वॉचमैन। नहीं, वॉचमैन लड़की को दिखा था, किसी किसको दिखा था वॉचमैन? तुम्हें दिखा था? अच्छा, वो आई नहीं आज। अच्छा, तो कल गए थे वहां पर, वॉचमैन दिखा था, अच्छी चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम वॉचमैन यू कैन सी सम बिल्डिंग्स, राइट? यू कैन सी सम रोड्स एंड ऑल। सो ऐसे सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि रोड की एंट्री क्या, तुमने धपाधप एंट्री कर दी, रोड टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब रोड राजा बेटा जी कौन सी वैल्यू पर लिखते हो आप? हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जितने में आपने कॉस्ट इनकर करी उसी कॉस्ट में आप रोड की वैल्यू लिखते हो। अब होता क्या है कि उस रोड का रियलाइजेबल वैल्यू जीरो। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसको सेल कितने में कर सकते हैं? जीरो। बट फिर भी हम रोड को हमारे बैलेंस शीट में कॉस्ट पर दिखाते रहते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज वी बिलीव इन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से इज दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब कम से कम अगले 12 महीने तो चलते जाएगा। वी डोंट हैव एन इंटेंशन टू करटेल और क्लोज इट। उसको बंद करने की हमारी कोई तमन्ना नहीं है, ना कोई इच्छा है। जैसे आप सुनते रहेंगे आए दिन कि इन्होंने ये वाला वेंचर बंद करने का डिसाइड किया। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा टेली की बात करें, तो टाटा टेली का उनका पूरा का पूरा क्लैरिटी था, एकदम क्लियर था कि भाई साहब वो अपने उस ऑपरेशन को बंद करने वाले थे। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के बारे में भी आपको क्लैरिटी थी कि भाई साहब उस ऑपरेशन को वो बंद करना चाह रहे थे, यस और नो? So, राजा बेटा जी ऐसे वो डिक्लेयर कर देते कंपनीज वाले कि हम इन ऑपरेशंस को बंद करने वाले, उस केस में शायद गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्लीकेबल। यू कैन ऑल्सो अज्यूम इन केस ऑफ किंगफिशर, किंगफिशर एयरलाइंस, याद आ रहा है क्या? दे वॉन्टेड टू क्लोज इट अप। सो अच्छा, खंबा बोल रहा था तू, अरे हेड़े, थैंक्स, मैंने बोल दिया। सो किंगफिशर एयरलाइंस क्लोज करने वाली थे, तो राजा बेटा जी यू वेरी क्लियरली अंडरस्टूड दैट यू नो कि गोइंग कंसर्न वॉज नॉट फॉलोड। गोइंग कंसर्न क्या करता है कि जितनी भी हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज है उनको कौन सी वैल्यू पर दिखाते हैं राजा बेटा जी? बुक वैल्यू पर या कॉस्ट पर दिखाने की मदद करते हैं।
क्योंकि उसके अंदर वैल्यू नहीं है। अब यहां पर जितनी भी चीजें है, शायद जितने में हमने उसको खरीदा उतने में बेच भी नहीं सकते हम इसको। जो कोई भी चीज पकड़ लो, आप बेंच पकड़ लो, आप एसी पकड़ लो, आप फैन पकड़ लो, ये पोडियम पकड़ लो, कुछ भी नहीं बिकेगा एट सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि हम इसको सेल करना ही नहीं चाहते। हम इसको कैसे यूज करना चाहते हैं? एट बुक वैल्यू। कैसे यूज करना चाहते विद द बिजनेस वी आर गोइंग टू यूज इट। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? इसीलिए बिजनेस का कंटिन्यू होना जरूरी है। मेरे साथ एक नोट लिखिए, इफ गोइंग कंसर्न इज फॉलोड सर हम नहा धोके और दांत मांज के आए, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, वेरी गुड। इफ गोइंग कंसर्न इज फॉलोड, कंसर्न इज फॉलोड यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने कल एक होमवर्क भी दिया था, देखे तुमने? इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड यूज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यूज व्हाट? एनआरवी। यूज एनआरवी, ठीक है। अभी आपके टेक्स्ट बुक मेरे को भी देना भाई, एक मैं क्या करेगा, तो लेके आते तब तक लेके आए। अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था बच्चों, एक बार नोट देखकर मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको पसंद आते हैं क्या ये। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द पेज नंबर 11। ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको थोड़े से नोट्स कैसे यूज करना है बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 11 पर जो क्वेश्चन है उसके बाजू में एक जगह है, इस जगह पर अभी आपने कुछ नहीं लिखना। ये आप जिस दिन एग्जाम में जाओगे उस दिन ये जगह को यूज करना, या रिवीजन फर्स्ट करोगे उस दिन यूज करना। मतलब सेकंड रिवीजन के लिए आपको ये चाहिए ना कि भाई फटाफट क्वेश्चन के सामने बाजू में मैं सॉल्व करते आ रहा कि नहीं आ रहा वो। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पहले रिवाइज होने ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आपने करना, बट मेरी तरफ से जो मैंने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दी उनमें से एक ये है, तो ये होना ही चाहिए। बात क्लियर हो गई? हियर वी गो। बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडर, इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा कि जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, एंड दैट विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट मे बी टुडे और टुमारो ऑनवर्ड्स। सो देखो क्या लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ ट्रेडर एज ऑन 31st मार्च 2021 इज गिवन बिलो। यू हैव गॉट कैपिटल, पी एंड एल अकाउंट। बेटा कैपिटल और पी एंड एल अकाउंट को लिखो, ये पोर्शन ऑफ इक्विटी है। इक्विटी माने क्या है, इसी चैप्टर में विल बी डीलिंग इट। इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी इज समथिंग विच बिलोंग्स टू द ओनर। आई रिपीट, इक्विटी इज समथिंग विच बिलोंग्स टू दी ओनर। ओनर को कितने रुपए देने हैं तो वो इक्विटी पोर्शन है। कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन वो है। नेक्स्ट, 10% लोन और ट्रेड पेबल बोथ आर लाइबिलिटी। हु विल गिव मी अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या फर्क लग रहा है तुमको लाइबिलिटी और इक्विटी में, क्या फर्क लग रहा है? यस गुड, चल झट्टी। आउटसाइडर का होता है, दिस इज द सो व्हेन आई से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज पेएबल टू द आउटसाइडर, एंड व्हेन आई से इक्विटी, इक्विटी इज पेएबल टू द ओनर। इज दैट ओके? सो इक्विटी एज पर लॉ हैज टू बी पेड एट द एंड, लास्ट में जब धंधा पूरा क्लोज डाउन हो जाएगा तब ओनर का नंबर लगता है। बट बेटा जी लाइबिलिटी का नंबर पहले प्रायोरिटी में लग जाता है। डू यू एग्री? आगे बढ़ते बेटा जी। देन यू हैव गॉट पीपी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल डेफर्ड एक्सपेंडिचर। बेटा डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनीवन नोज डेफर्ड एक्सपेंडिचर? कम अगेन, वेरी गुड। बट विच एक्सपेंडिचर? ओके, हाँ ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन बॉयज, फिर खाना बना तो बनाना सीखो, बेस्ट है। अकेले सिंगल, ना पढ़ते ना कुछ, बेस्ट है बेटा। सो लेट मी टेल यू, देखो क्या होता है कि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अब मान्यता नहीं है। इट डजंट हैव एनी वैल्यू एट दिस मोमेंट अपार्ट फ्रॉम व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड इन लॉ। सो लेट मी फर्स्ट गिव यू अ रॉन्ग एग्जाम्पल सो दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वंस आई गिव यू द रॉन्ग एग्जाम्पल देन आई टेक यू टू द फ्रेमवर्क एंड देन आई टेक यू टू द लॉ।
इज दैट ओके? तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए गलत एग्जाम्पल दूंगा। सो बेटा जी, एक बहुत बड़ी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, एक बहुत सीधा बैटरी ना लाइक गाउटी गाय छप सोया है ना रात को, हर बार सोता रहेगा क्या ये, फिर काम कब करेगा? सुना मेरी बात ध्यान से, आई वॉज सेइंग एक कंपनी को किसी अपने एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, राइट? रिसेंटली आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा जिसको इंट्रोड्यूस किया गया? किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत एडवर्टीजमेंट हुआ उसका, सीबा आई डोंट नो मे बी या एनीवन एल्स, ड्रीम्स इलेवन पर खर्चा हुआ बहुत ज्यादा, या आप क्या वो आप क्या करो और मैं, आप जंगली रमी, अरे जंगली रमी नहीं रहे, वो कौन सा है वो उसके, कि आप इस पर टीम बना लो और ये मैं कर लेता, आप ड्रीम इलेवन पर टीम बना लो और ये मैं कर लेता हूं, है कि नहीं है? कुछ भी फालतू की चीजें कराई थी उसमें। सो मैं आपको बताता हूं, ड्रीम्स इलेवन वॉज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कंपनी, बट एडवर्टीजमेंट वॉज सो मैसिव। नाउ डू यू थिंक सो द एडवर्टीजमेंट वॉज डन ओनली फॉर वन ईयर? द आंसर इज रॉन्ग, दैट एडवर्टीजमेंट वॉज गोइंग टू यील्ड देम द रिजल्ट फॉर नेक्स्ट मेनी ईयर्स टू कम, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल जियो का याद है आपको कितनी एड करी थी, अबे जहां जाओ मतलब पुणे में मैंने गणपति वैसा कभी नहीं देखा। तुम बोले सर गणपति का क्या एग्जाम्पल है जियो का? जिस समय जियो लॉन्च हुआ था, एंड दिस इज द मेन प्राइम एरिया जहां पर गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जगह जगह से लोग आते, जहां पर देखोगे वहां पर जियो की एड, और हर जगह अभी जबान पर आ गया था जियो धंधनाधन। हम धंधनाधन और को समझते थे, अभी इधर और को जा रहा था, सो जियो धंधनाधन एवरीवेयर वी सॉ इट वॉज दैट। एंड वी रिमेंबर दैट इन दोज डेज, गुलाब का फूल सीधी बैठा, सो इन दोज डेज व्हेन यू सॉ इवन इन द आईपीएल सारा जियो का ही था, कितना भयानक एड। और अब जो एड चल रहा है वो जियो सिनेमा का चल रहा है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो राजा बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो कि जब जियो का एड किया गया था और वो फ्री में भी दे रहे थे, तो दिस जियो का एड वॉज नॉट गिविंग देम द बेनिफिट फॉर वन ईयर। उनके सब्सक्राइबर ऐड हुए, लोग जानने लगे जियो को, और कम से कम अगले 5-10 साल तक तो जानेंगे। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जब बहुत मैसिव स्केल पर शुरुआत में होता है तो उसका इंपैक्ट लॉन्ग समय तक रहता है, एग्रीड? सो ये यहां पर एक्सपेंडिचर हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1000 करोड़ प्लस ये खर्चा हुआ, बट 1000 करोड़ प्लस एक्सपेंडिचर सिर्फ एक साल का है या इसका बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलेगा? तो आपका आंसर आएगा कि इसका बेनिफिट मिलेगा अगले 5 साल तक। तो राजा बेटा जी लोगों का ये कहना आया कि दिस इज अ डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मतलब ये एक साल के पी एंड एल अकाउंट को हिट नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू हिट द पी एंड एल अकाउंट ऑफ 5 ईयर्स। समझे कॉन्सेप्ट? समझ गए? ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग पढ़ा है मैंने आपको, क्योंकि बेटा जी ये पहले की बात थी जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बट फिर धीरे धीरे चलकर अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये असेट साइड में लिखा हुआ है डेफर्ड एक्सपेंडिचर, बट ये असेट है ही नहीं, इसको बेच ही नहीं सकते आप। क्या आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो इंकर हो चुका है उसको बेच सकते हो क्या? नो, अरे इट इज अ कंक्लूडेड एक्सपेंडिचर सर, यू कैन नॉट रिकवर एनीथिंग। सी अकाउंटिंग का मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड इट इज गेटिंग क्लासिफाइड एज एन असेट इज अ टू डिफरेंट थिंग। आप 5 सालों में खर्चे को डालना इज अ accounting concept, but you can sell the asset, but for that you need to have a commercial value to it. It doesn't have a commercial value here. So yes or no? Yes. So boys and girls, jab framework aaya to framework mein accounts ke kai sare definitions change hue, unme se ek crucial definition tha asset ka, jiske andar unhone clear cut shabdon mein kaha ki deferred revenue expenditure ye asset nahi hai. ये हम पढ़ने वाले इसी चैप्टर में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट एन असेट। जो बच्चा फाउंडेशन से पढ़कर आया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी हम क्या करते थे, पी एंड एल अकाउंट में धीरे धीरे ट्रांसफर करते थे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो नॉट एन असेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप 5 सालों में उसको राइट ऑफ करोगे, ऐसा पढ़ोगे लॉ में भी, बट दैट इज ऑल्सो नॉट एन असेट। सो राजा बेटा जी मैंने आपको बताया पहले इसको असेट माना गया था, असेट साइड में दिखाया जाता था, अब यह असेट नहीं है, और असेट नहीं एज पर फ्रेमवर्क। 2 पॉइंट क्लियर हुए? मुझे नहीं समझा, बताओ। पहले ये असेट माना जाता था क्या? यस, बट अब ये असेट है क्या? एज पर फ्रेमवर्क। आर वी गोइंग टू स्टडी दिस? द आंसर इज यस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अनफॉर्चुनेटली बट हमारे यहां पर कुछ कुछ एरियाज में लॉ ये बोलता है कि उसको 5 सालों में राइट ऑफ करो,
उस केस में हमें उसको 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कानून बोलेगा। और अगर आपको याद होगा कि तो फ्रेमवर्क और एएस में झगड़ा हुआ तो एएस विल विन, और एएस और लॉ में झगड़ा हुआ तो लॉ विल विन। सो समझने की कोशिश करो, अगर लॉ बोलेगा, कंपनीज एक्ट बोलेगा, किसी कानून में लिखा हुआ रहा तो बेटा जी इन सभी एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे बेटा जी, राइट ऑफ करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, इधर आओ। तुमने सुना था बीच में बैंड बज गई थी और शेयर मार्केट में प्राइजेस धड़ाम 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 रिड्यूस हुए थे, किसके, ऑयल कंपनीज के। किसको आइडिया क्या हुआ था उस समय, बहुत गंदी बैंड बजी थी। क्या हुआ कि वहां पर ऑयल के, क्रूड के प्राइजेस बढ़ रहे थे और यहां पर फ्री प्राइसिंग हो गई थी, और फ्री प्राइसिंग हो गई तो ये जो कंपनीज थी वो अपने अपने हिसाब से प्राइजेस पेट्रोल के बढ़ा रही थी। अब पेट्रोल के बढ़ा रही थी तो सरकार डर लगा, सरकार को लगा अपनी खुर्ची गई, अपनी चेयर गई कि इतने भाव बढ़ रहे गैस के, इसके उसके, तो सरकार के पास पैसे नहीं थे। सरकार ने क्या किया पता है क्या, सरकार ने बोला कि ये पैसा कंपनियों को बोला तुम एब्जॉर्ब करो ये लॉस को, गवर्नमेंट कंपनी ही थी, इस लॉस को तुम एब्जॉर्ब करो और इस लॉस को रिकवर करने का हम आपको मौका देंगे इन फॉर्म ऑफ अ लोन, या इसको राइट ऑफ करो धीरे धीरे। तुम्हें समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे केस में कई बार जब गवर्नमेंट इंटरफियर कर कुछ बता देती है कि ऐसा करना पड़ेगा, सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, यस और नो। तो वैसे ही लॉ के बारे में मैं आपको यह बता रहा था कि अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या अगर वो किसी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऐसे एक्सपेंडिचर के बारे में बोले कि 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो ध्यान में रखना अकाउंट्स के हिसाब से वो असेट नहीं है, कानून बोल रहा है कि उसको राइट ऑफ करो 1 से ज्यादा साल में, इसीलिए हम उसको कभी कभार बहुत रेयरली आपको असेट साइड में देखने को मिलेगा, अदरवाइज शेड्यूल 3 में मैं उसका ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा कैसे होता है। चलो आगे, अभी आगे बोले बैंक अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, एग्रीड। अब राजा बेटा जी आपको क्या लगता है इनमें से कौन अपनी अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, पीपी जितना इधर ये लिखा हुआ है ये सारी वैल्यूज कौन सी है, बुक वैल्यू इतने पर ही सेल होगा या इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये दूसरा वाला स्टॉक इतने में बेचा जाएगा या ऊपर नीचे बेच सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल डू यू थिंक सो इतना ही रिसीव होगा या इससे कम रिसीव हो सकता है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज नॉट एन असेट। और राजा बेटा जी बैंक बैलेंस क्या इतना ही वैल्यू मिलेगा क्या, ये कौन सी चीज खा के आते हो, मुझे भी चाहिए ये, मुझे भी चाहिए, बहुत भारी है ये, बेस्ट है एकदम। कितना बैंक में 5,000 रुपए रहेंगे तो कितने मिलेंगे, मैं इतनी सी बात पूछा, सोचो पहला प्रश्न पूछेंगे घर वाले, वसीयत से नाम जाएगा पागल। नाउ 10% लोन कैन इट चेंज इट्स वैल्यू, सोच के बोलना, कैन इट चेंज इट्स वैल्यू 10% लोन, द आंसर इज यस इट कैन चेंज, हाउ आई टेल यू। एंड ट्रेड पेबल कैन इट चेंज इट्स वैल्यू, यस वी कैन आस्क फॉर डिस्काउंट एंड वी कैन चेंज द वैल्यू। सो अभी आपको क्या करना है, अगर गोइंग कंसर्न इज फॉलोड एंड गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड वील यूज वॉट एनआरवी, दैट इज मार्केट वैल्यू। आर वी रेडी, सो देखते एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 5 years, द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ द असेट इज इवन, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ पीपीई वॉज 60,000, वॉट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इट इज नथिंग बट सेल वैल्यू। सो बेटा जी अभी मैं क्या कर रहा हूं, सुनो ना मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कि पीपीई की गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैन आई राइट डाउन 60,000, सो ये गोइंग कंसर्न नहीं है तो 60,000, लेट्स गो अहेड। द ट्रेडर परचेसेस एंड सेल्स फॉर द ईयर 21-22 अमाउंटेड टू 4 lakh एंड 4.5 lakh रिस्पेक्टिवली। बेटा ये कौन सा ईयर है, 31st March 2021 है क्या, और हम नीचे वाला ईयर कौन सा है, 21-22, सो कैन आई नॉट से इस बैलेंस शीट के बाद में नेक्स्ट ईयर का डेटा दिया है, हाँ या नहीं, प्लीज बोलो हाँ। ए रसगुल्ले चमन चटनी मुझे एक बात बता, ये 4 और 4.5 lakh की एंट्री क्या होगी, परचेस और सेल्स की, मैं सुनना चाहता हूं परचेस और सेल्स की एंट्री क्या होगी, परचेस की एंट्री क्या होती, कमिनो परचेस टू बैंक बोल सकते हैं, परचेस टू क्रेडिटर्स, और सेल की एंट्री क्या होगी, कैश बैंक टू सेल्स और डेटर्स टू सेल्स। नाउ यू टेल मी वेर विल सेल्स गो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वेर विल परचेसेस गो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्या इतना अपेक्षा रख सकता हूं कि आपको याद है, गुड कोई बात नहीं, ये भी हो गया। सी द कॉस्ट एंड एनआरवी
एज ऑन 31 मार्च 2022 वर 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा एनआरवी कितनी है? एनआरवी इज 40। बेटा कॉस्ट कितनी है? 32। से यस बेटा जी, मुझे बताओ, गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, सो कैन आई नॉट से आई विल से 40,000? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, हम 40,000 लेंगे। अगर गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, डू नॉट वरी अबाउट कॉस्ट, यूज व्हाट? एनआरवी। तुमको याद दिलाता हूं, बचपन में तुमने सुंदर टीचर का दिल तोड़ दिया। अभी सुंदर टीचर सिखाया करती थी तुमको 11th 12th में, बेटा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। बोलती थी क्या? नहीं बोलती थी सुंदर टीचर? इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट कितनी है, 32,000 बोल रही है सुंदर टीचर, और मार्केट प्राइस कितनी है? सो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के हिसाब से तो 32,000 लेना चाहिए ना, बट हम कितना ले रहे हैं? 40,000 क्यों ले रहे हैं? अपने दिल को समझाओ, व्हेन गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड यूज एनआरवी। तो इसके लिए हम नेट सेलिंग प्राइस ले रहे हैं 40,000। कितने में सेल होगा? क्योंकि जब धंधा चलने ही वाला नहीं है तो भाई उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट लेकर क्या करूं मैं? तो यही बोलूंगा ना, कितने में बिकेगा वो सही वैल्यू निकालता हूं अभी। से यस। तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड यू विल टेक एट व्हाट? एनआरवी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। गोइंग एट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन ऑफ 3,500 फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 14,900। कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इंटेलिजेंट क्लास? व्हाट इज द एंट्री यू डू? एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक, यही एंट्री आएगी क्या भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस कहां चला जाएगा? P&L डेबिट साइड में, और कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में चला जाएगा। तो जरा एक बार मुझे बताएंगे एक्सपेंस कितना है बेटा जी? 14,900। बेटा डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज इक्वली ओवर 4 years। मुझे एक बात बताओ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज करना है 4 सालों में, ये तो तब कर पाएंगे ना जब धंधा 4 साल चलेगा तब। अगर धंधा चल ही नहीं रहा है तो सारा खर्चा एक साथ ठोकेंगे P&L अकाउंट में इन वन गो। सही है सर? नो। अगर धंधा चल रहा है तो 4 साल, बट मैं वो तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं ना कि चल रहा है तो क्या। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं? धंधा नहीं चल रहा है, तो हम क्या कर देंगे उसको एक साथ राइट ऑफ करेंगे इन P&L अकाउंट। सही है। सो राजा बेटा जी, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे 1 साल में, तो इसका रियलाइजेबल वैल्यू 0 है। सही है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आगे बढ़ते, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2022 इज 25,000 ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल, कलेक्शन ऑफ अनदर 4,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट सप्लाइड टू द कस्टमर। इस लाइन का कौन मुझे मीनिंग बताएगा? ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 25,000। ये कब के बेटा जी? ईयर एंड के। ईयर एंड के ट्रेड रिसीवेबल 25,000 है, उनमें से 2,000 डाउटफुल है, और बचे हुए 4,000 तब मिलेंगे अगर हमने उसका री इंस्टॉलेशन करेंगे कस्टमर के लिए। तो पूछो अपने दिल से कि इस ट्रेड डेटर से हमें कितने रुपए मिलेंगे? कॉमन सेंस की बात है, कितने रुपए मिलेंगे? हाउ मच? वन कॉल इज 19,000। कोई और कुछ कॉल? ऑनलाइन लाइव तुम्हारा क्या बोलना है? रसगुल्ला जल्दी से बताओ तुम्हारा क्या है? सर इंटरेस्ट विल बी एडेड। व्हाई इंटरेस्ट विल बी एडेड बेटा? इट इज वर्ड यूज्ड इज इंक्लूडिंग। कैसी इंग्लिश है तुम्हारी? जल्दी से मुझे बताओ रसगुल्लो, क्या करेंगे? 19,000 एक आंसर है, किसी का और कोई आंसर? सो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, 19,000 डाउटफुल है, इसका मतलब अगर धंधा बंद पड़ रहा है तो शायद से वो पैसा नहीं आएगा। और सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन तो आप तब कर पाओगे ना कस्टमर के यहां पर, व्हेन द बिजनेस इज कंटिन्यूइंग। इफ द बिजनेस गेट्स डिसकंटिन्यूड देन यू कैन नॉट री इंस्टॉल, एंड व्हेन यू कैन नॉट री इंस्टॉल यू कैन नॉट गेट द रुपीज 4,000। उन्होंने ये कहा कि 2,000 रुपए शायद ना आए, और उन्होंने ये कहा कि 4,000 रुपए तब देंगे अगर पैसा रिकवर हो पाया तो, रीइंस्टॉलेशन हो पाया तो, और इंस्टॉलेशन हो नहीं सकता क्योंकि धंधा कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सही है सर? नो। लेट्स गो ऑन पीपल। सो कैन आई नॉट से मेरा ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू 19,000 आ गया? सो कैन आई मेंशन द ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू ईयर 19,000? तुम एक बात समझ रहे हो क्या? मैं कौन सी वैल्यूएशन लिख रहा हूं पता है क्या तुम्हें? 31 मार्च 2022 की वैल्यू लिख रहा हूं। बोलो हाँ। आगे बढ़ते बेटा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 12,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। यू टेल मी 12,000 इज द बुक वैल्यू विच इज देयर नाउ, 12,000 माइनस 5% कितना लेंगे? 11,400। सो कैन आई नॉट से मेरा लाइबिलिटी का वैल्यू आएगा 11,400? बोलो हाँ या ना। डियर रसगुल्लाज एंड रसगुल्लीज, कैश बैलेंस इज 37
100 कैश बैलेंस कितना रहे पिंटिया 37 100 सो बेटा कैश बैलेंस कितना आ जाएगा 37 100 ये बेटा स्टॉक की वैल्यू भी निकाली थी ना अपन ने 40,000 स्टॉक की वैल्यू 40,000 बोलो हाँ हैप्सी कैन आई प्रोसीड नाउ डियर रसगुल्लास एंड रसगुल्लेस दे आर आस्किंग यू देर इज अ अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी फॉर द लोन ₹2,500 लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास व्हाट इज अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी किसी को आइडिया है क्या Absolutely right. So what happens is generally, you know, everyone who gives the loan for long term has a reinvestment risk. See, this phase of India, right now the interest rate which you are getting on FD is higher than what you used to get 2 years earlier. And in coming days, the interest rate is again going to go down. Aaj ke tarikh mein jo debt ka return hai aapka, aaj ke tarikh mein FD ka jo return hai, ye aaj ke 2 saal pehle nahi tha, corona ke time mein. और आज के 2 साल 3 साल बाद भी नहीं रहेगा तो अगर मान लो मैंने इस बंदे को आज पैसे दिए कि भाई तेरे को लोन दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए 10 साल के लिए मैंने इसका ड्यू डिलिजेंस कर लिया मैंने चेक कर लिया इसका सिक्योरिटी मेरे पास रख लिया सब कुछ कर लिया आई हैव गिवन हिम लोन फॉर हाउ मेनी इयर्स 10 इयर्स अज्यूमिंग दैट आई विल गेट इंटरेस्ट एट 12% पर एनम एवरी ईयर नाउ आई एम अ रिटायर्ड पर्सन आई वॉन्ट दिस रिटर्न एवरी ईयर Agreed. I don't want the principal amount. I want interest every year so that I can continue my living. Now what happens is one fine day आगे चलकर interest rate कम हो गया तो ये क्या करता है ये बाजार से पैसा उठाता है और मेरे को बोलता है कि सर आप आपके पैसे ले लो अबे तेरा काम हो गया है कि तूने मुझे पैसा रिटर्न कर दिया मैं अब जाके अगर इन्वेस्ट करूं 3 साल बाद आफ्टर 3 years इफ आई एम गोइंग टू गो एंड इन्वेस्ट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गेट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट yes or no Now, don't you think so? I have got a reinvestment risk. So, whenever I give a long-term loan to any person, I tell him that if you repay early, you have to pay the penalty for that. Do you realize this? ये कई सारे बच्चों को लगता है discount है, discount नहीं है, ये penalty है. Early payment के लिए सामने वाले आदमी को risk है ना? सामने वाला आदमी क्या बोलता है भाई? मैंने तेरे को 12% से दिया. तुम 3 साल बाद आके मेरे को पैसा दे देंगे. अब मैं बाजार में invest करने जा रहा हूँ. Market की interest rate नीचे चली गई है. मेरे को तो अभी पैसा कम मिलेगा ना यस और नो सो दैट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क सो हेंस माय डियर फ्रेंड वेन एवर लॉन्ग टर्म लोन्स आर गिवन विद अ कंडीशन अप्लाई दैट इफ द रीपेमेंट इज डन अर्लियर दे विल लेवी इंटरेस्ट ऑन अस और दे विल लेवी पेनल्टी ऑन अस यस और नो सो यू टेल मी इफ द बिजनेस इज नॉट गेटिंग कंटिन्यूड आर वी गोइंग टू पे देम मोर और लेस वाई लेस इफ द बिजनेस इज गोइंग टू गेट डिसकंटिन्यूड देन वील हैव टू पे लोन अर्ली और लेट मैं वापिस पूछ रहा हूं अगर धंधा बंद हो रहा है तो हमें लोन का अमाउंट तुरंत पे करना पड़ेगा या हम बाद में पे करेंगे तुरंत अगर तुरंत पे करेंगे तो पैसा कम देना पड़ेगा कि ज्यादा क्योंकि बोला था ना कि अगर पेमेंट जल्दी किया तो आपके ऊपर क्या लगेगा पेनल्टी और वो पेनल्टी कितने का लगेगा 35,000 प्लस 2,500 कितने का पेनल्टी लग जाएगा 37,500 is what we are going to be levied with the penalty. Say yes. Yes. So, Raja Beta Ji, ab zara padhte kya likha hai? You are required to prepare P&L account and balance sheet of the trader in both the cases, assuming going concern and not assuming going concern. So, first, what did I solve? Not assuming going concern. तो मैं कैसे करूंगा जरा ध्यान से देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जहां जहां ब्लू के आइटम है वो सारे ब्लू के आइटम में मैंने क्या कर दिया जहां जहां ब्लू के आइटम है वहां सारे आइटम में मैंने क्या एसेट और लाइबिलिटीज के फिगर लिख दिए क्या अबे बोला ना हाँ है ना ये वाला आइटम दिख रहा है क्या अभी मेरे कलर का थोड़ा सा लोचा है ये वाला आइटम दिख रहा है क्या ये सारे एसेट लाइबिलिटी के आइटम लिख दिए कैपिटल चेंज नहीं होएगा और बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस कैन कम एज अ बैलेंसिंग फिगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और यही प्रॉफिट मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा डी वाला एग्री चलो जान छोड़ो मैं गोली मारो मुझे जल्दी से बताओ इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड यू विल यूज बुक वैल्यू और एनआरवी आर यू ऑल श्योर अच्छा अभी तरह एक बार पी एंड एल अकाउंट को विजुअलाइज कर लेते ये ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो बताओ मुझे जल्दी से समझा गया बेस्ट है मेरा ऑनलाइन का रसगुल्ला बहुत भारी है सो एक बार रिवाइज कर लेते अगर गोइंग कंसर्न नहीं फॉलोड है तो हम क्या यूज करते कॉस्ट और एनआरवी ठीक है एक बार इसका आंसर बता दूं बताऊं कि नहीं बताऊं बताना पड़ेगा ऑप्शन क्या है अभी अपने पास धूप से निकल कर हुँ, 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 हुँ,
ये पिंटा यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, अब मुझे बताओ आपने वो फिगर्स लिखे थे क्या वहां पे रफ में जो मैंने बनाए थे इधर? कौन सा? 60,000, 40,000, 19,000, डेफर्ड एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना? जीरो, और बैंक का कितना? 37,100, ट्रेड पेबल 11,400, 10% लोन 37,500, कैपिटल विल रिमेन एज इट इज, से यस, और बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। सो मैं आपको बताता हूं ये फिगर्स आपके मैच हो रहे हैं, एक बार चेक कर लो। हाँ मुझे बताओ अभी फिगर कौन से थे? अपन केस टू सॉल्व कर रहे हैं, ओके? केस टू मतलब गोइंग कंसर्न इज नॉट सेटिस्फाइड। सो बेटा प्लांट एंड मशीनरी कैन आई से 60,000? स्टॉक का वैल्यू आपने कितना लिया था? डू यू एग्री विथ 40,000? ट्रेड रिसीवेबल आपने 19,000 बोला था, याद करिए, ये 19,000, डेफर्ड कॉस्ट निल, बैंक 37,100, कबूले सेक्स है ना? कैसा है मेरा भाई? Hey guys, good morning. Good morning, sir. I hope you are having great time. Yes, sir. और इस बार जो आनंद सर ने जो नोट्स बनाई है वो काबिले तारीफ है। You must have seen the notes, right? Yes, sir. Amazing, superb, fantastic। बार ताले बजाओ आनंद सर के लिए आप। पिछले लगातार जब से न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस भी नहीं होता, ही इज वर्किंग ऑन इट। जब ड्राफ्ट आया था तब से वो मेहनत कर रहे हैं। ये नोट्स के पीछे बहुत मेहनत ही हैज डन, ही इज टेकिंग ऑल द एफर्ट्स टू मेक योर लाइफ मोर सिंपल एंड इजी, ओके? तो आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, और उसको ना कि से देखना पढ़ना भी, वो आपके लिए बहुत ही उसमें सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है सब कुछ, राइट? तो क्या है ना, सीए में एक सब्जेक्ट है जो अकाउंट्स है, जो अपने नाम में अकाउंट्स, राइट? तो अकाउंट सब्जेक्ट की गहराई को मद्देनजर रखते हुए इस सब्जेक्ट को सिंपल बनाना और सबके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये नोट्स उसके लिए बहुत आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, विच विल मेक योर लाइफ सुपर अमेजिंग सिंपल। ऑल दो इट इज न्यू सिलेबस, बट जिस तरह के नोट्स बनाए गए हैं, आई थिंक इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट नोट्स इन इंडिया करंटली। आई एम टेलिंग यू, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट नोट्स अक्रॉस द कंट्री। बहुत अच्छी नोट्स बन रही है, सुपर फैंटास्टिक। आप इसको सर आपने तो दे दिया उनको, मतलब ये नोट्स के ऊपर काम करें। तो बस इतना ही मुझे बोलना था। ये जो नोट्स के पीछे जितना मतलब आनंद सर ने शायद से बताया नहीं होगा आपको, बट ही हैज टेकन, हिज टीम इज टेकिंग ऑल द एफर्ट्स टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल, राइट? तो एक बार फिर से टीम और आनंद सर के लिए ताली बजाओ। बाकी तो मैं आपको मिलूंगा मेरे समय पे। थैंक यू सो मच। हर्षद सर इज ऑल्सो हियर, एक बार हर्षद सर आप आ जाओ। अरे नहीं, ब्लैक ब्लैक तीनों, हाँ लगभग लगभग। अच्छा ऐसा है, सो इज अर्शद, राइट? बस कुछ नहीं, सभी जानते हैं हम लोग, वी ऑल द एंटायर टीम इज टेकिंग ऑल द एफर्ट्स। ऑल दैट इज द न्यू सिलेबस, और जब भी न्यू सिलेबस आता है हमें बहुत इंटरेस्ट, बहुत उत्साह होता है, बिकॉज कुछ हमें भी बहुत कुछ नया नया सीखा, बिकॉज नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो बहुत मजा आता है। द टीम, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ अस, एवरीबॉडी, पूजा मैम, अंकिता मैम, हम लोग सब इतना ज्यादा एफर्ट्स देके इस सब्जेक्ट को, आप देख रहे होंगे ऑल द डेज अ न्यू सिलेबस, पर हमारा एक फ्लो है उसके ऊपर। और जब हम लोग यहाँ पे आते हैं एक घंटे का लेक्चर लेते हैं, तो समझ लेना चार घंटे की मेहनत घर पे होती है, तब जाके आते हैं यहाँ पे, ओके? तो हम लोग भी आपके जैसे ही पढ़ाई करते हैं, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं इनफैक्ट, और तब जाके आपके पास में। ऐसा नहीं कि हम लोग 10 मिनट पढ़ के आपके, वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी सिंपल, ओके? वैसे आप जानते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो है उसमें तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, पर कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें कुछ टॉपिक्स है जिसमें बहुत नया होता है। तो चाहे वो पुराने टॉपिक्स हो चाहे नए टॉपिक्स हो, हम उसके ऊपर पूरी मेहनत करके इतना विश्वास पूरे टीम के बिहाफ पे मैं दिलाना चाहता हूं कि आपका सिलेबस इतना अच्छे से करवाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, अगर हम जो रास्ता आपको बता रहे तो हम आपको गारंटी कर रहे हर कोई बंदा जो है इसमें से इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा। आई रिपीट, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि आप इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, अगर जिस तरीके से हम आपको बता रहे पढ़ाई करना है, अगर आप वो सब फॉलो करेंगे। हर एक टीचर को अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है, उसने जैसा बोला है आपको ब्लाइंडली फेथ करना है और इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। अगर वो बोल रहा है होमवर्क करना है तो करना है, वो बोल रहा है पढ़ाई करना है तो करना है। अगर वो सारी चीजें फॉलो हो जाएंगी दोस्तों, तो इस अटेम्प्ट में ही सी एंटर को क्लियर करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। आज ही सुबह यशराज जो है ना अपना स्टूडेंट, नहीं नहीं हाँ, वो जैसे आज सुबह यशराज मिला था ना,
क्लास में आया था यशराज. सो ही स्कोर्ड 580 सुबह मिला था. तो ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग जो अभी सर ने कहा कि आप अगर जो भी सारे टीचर्स अगर आपको जो बोल रहे हैं अगर आप उसको फॉलो करो राइट तो योर रिजल्ट विल बी डेफिनेटली ऑन अ पॉजिटिव साइड. बैकलॉग वगैरह मत रखना. और सर दीज आर ये सुबह सुबह ना 8 बजे डॉट सब रेडी है. सब लोग बहुत मतलब ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं. बट वो लाड में मत आने लगे है ना. तारीफ कर दी तो चल जस्ट अ स्मॉल थिंग विच आई टेल यू. नाउ आई हैव बीन वर्किंग विद एसपीसी फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मी बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू फ्यू थिंग दैट एट एसपीसी वी आर जेन्युइनली वर्किंग एंड स्लॉगिंग अ लॉट ऑफ आई मीन काफी सारी चीजें की जा रही है एट स्टूडेंट्स फ्रंट. बहुत बहुत सारी चीजों पर काम किया जाता है. वी बिलीव इन द क्वालिटी एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन आर नोट्स. मैं बड़े गर्व से कहता हूँ ना ही मेरे नोट्स स्वप्निल सर का ही बड़प्पन है. सिर्फ उन्होंने मेरे बारे में बात करके खत्म कर दी. बट सिर्फ मेरे नहीं अगर आप किसी भी फैकल्टी के नोट्स देखेंगे क्योंकि करता धरता यही है यही लगाम चलाते हैं यही बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए तो देन वी हैव टू डू दैट. बट देन आई टेल यू कि अगर आपको मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली ऑनलाइन लाइव हो रहे बाकी के सभी स्टूडेंट्स के लिए कि दैट यू शुड चेक अप दैट दिस टाइम व्हाट एसपीसी इज गोना कम अप विद द न्यू सिलेबस. इट विल बी ऑल विद द न्यू सरप्राइजिंग पैकेजेस. और ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट के तौर पर नहीं होता है जेन्युइनली इन पर काम हुआ है क्योंकि वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग बिफोर द टाइम वे अहेड ऑफ द टाइम. तो आपको मैं बता रहा हूं दावे के साथ में कि भाई साहब आपको बड़ा मजा आएगा. बीट फाउंडेशन बीट इंटर एंड और एक सरप्राइज पैकेज आएगा उसके बारे में जल्दी रिवील करना अच्छी बात नहीं है. बट देर आर सरप्राइज पैकेजेस एट ईच लेवल नाउ. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट स्टे ट्यून्ड. और इस बार का एसपीसी ये वर्जन 2 है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू सिलेबस. आप लकी हो कि यू विल बी गेटिंग ऑल द न्यू फीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द फर्स्ट गो. बहुत अच्छी चीजें मिलेगी. इज दैट ओके? एंड वी आर श्योर अबाउट इट. पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया हमने इसको बनाने के लिए. ठीक है सर एक मिनट माइक देना मुझे. मैं सर मुझे इतना माइक दो रखा करना रे. हाँ ना रे. यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सर हम लोग देख पाते हैं. जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में हम आपको भी देखना चाहते हैं हमें समझता नहीं हमसे कौन पढ़ रहा है. तो बहुत सारे लोग सर लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ते हैं बहुत सारे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं. तो बस मैं चाहूंगा कि आज हम आपको देखना चाहते हैं और हम आपको कैसे देखेंगे पता है. आज हम लोग आपको तीनों देख रहे हैं तो आप हमारी एक तस्वीर खींचो. अभी हर्षद थोड़ा सा नजदीक आओ. आप लोग भी खींच सकते हैं और खींचो यार अच्छे लग रहे हम तीनों भी. और हम लोग अच्छी फोटो खींचना हमारे अच्छी वाली और उसको टैग कर देना हमें अपने इंस्टाग्राम पे. जो लोग घर से जरा ऐसे वो आपका भी आना चाहिए और स्क्रीन का भी आना चाहिए ऐसे फोटो क्लिक करना हमें टैग करना. हम आपको स्टोरीज में ऐड करना चाहते हैं. आई वुड लाइक टू सी हु ऑल आर. आपका चेहरा जरूर आना चाहिए उसमें के आप अभी फोटो लगाना और बाद में आप इसको अच्छे से फोटो निकालना. जो लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं मस्त वाला फोटो टैग करना. मैं सारे के सारे हम लोग तीनों आपके फोटोज इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगाकर हम महसूस करना चाहते हैं कि नया सिलेबस आ चुका है. ओके अरे ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा फीलिंग आ रहा मेरे को भी. अच्छा आ रहा है देख लो. अरे हाँ एक मिनट मेरे को लगाना जरूरी था क्या सर. अभी एक मिनट सर लाइव स्ट्रीमिंग वाले सर अच्छे से निकाल रहा. थैंक यू. यस बड़ी यस. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. आज अभी टैग करना हम लोग के सबके आईडी आपके पास में. मेरा वैसे आईडी बता रहा हूं स्वप्निल अंडरस्कोर पाटनी. अभी टैग करना मैं आपको स्टोरी में ऐड करूं मुझे आपको देखना. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय बाय. मैं भी अभी बाय बाय बोल रहा है. साहेब आ गए हैं तो ही विल कंटिन्यू विद द लेक्चर राइट. तो इस प्रॉब्लम को हम कल सॉल्व कर लेंगे. प्रेम से बाय बाय बोलो. आपका दिन शुभ हो. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय. खुदा हाफिज़. क्या बोलते हो सर.